हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज रोनी एंड यू आर वाचिंग लाइफ ऑन द रोड ब्लॉग। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं आईटीआई कॉलेज और मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं। तो आपको सबसे मिलाते हैं बारी बारी, ठीक है? तो सबसे पहले ये मेरा दोस्त। हेलो, मैं हूँ विभूति। तो आप देख रहे हैं रोनी का ब्लॉग, जो कि ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाता है। आप लोग सच में देख के खुश हो जाओगे। सो प्लीज सब्सक्राइब, मतलब प्लीज यार सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, एंजॉय करो इनका वीडियो, सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू। ठीक है, और एक ये भी है, ठीक है? तो इनसे गाइस, माय नेम इज मिस्टर गोपाल और आप लोग देख रहे हैं रोनी का यूट्यूब चैनल। हम कहते हैं आप लोगों से इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन पे कर लीजिए। इसका यूट्यूब चैनल एकदम मस्त है, हम देखते हैं और आदमी को शेयर करते हैं। सो थैंक यू, इसको देखिए, इंजॉय कीजिए। और तो सबके सब देख रहे हैं कि मतलब तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ठीक है, और एक और बंदे से मिलाते हैं, ये भी मेरा दोस्त है। आई एम पिंटू कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं लाइफ ऑन द रोड ब्लॉग, जो काफी अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद यार। ठीक है, और एक ये कोई नहीं बोलो बोलो नंदन। आप लोग भाई के चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारे भाई और भी बोलो 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 और भी वायरल हो सके। ठीक है, तो मतलब इन लोगों को बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आए हैं, तो हो सकता है ऐसे होता भी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पूरा का पूरा कॉलेज दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पीछे मेरा दोस्त काफी मस्ती कर रहा है और ये ही है आईटीआई कॉलेज। मैं जैसे लग रहा है एबीसीडी पर। आज आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसमें व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बो कितना मस्त लग रहा है। और इसके सामने आप जब आओगे तो आपको ये ऐसा कुछ ऐसा सीन देखने के लिए मिलेगा। ये है क्या मेरे को पता नहीं है, ठीक है, पता रहता तो पक्का बता देता। और इधर भी सेम वैसा ही बना है। हम लोग आगे चल रहे हैं और मेरे साथ मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, तो हम अभी सीधे चलने वाले हैं इसके ऊपर, देख रहे हो? ठीक है, तो सब आदमी चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पे, तो अभी देख सकते हैं ये बंदे सब भी आ रहे हैं। ओके, हम इधर से चलते हैं ऊपर ऊपर और ऊपर, बस चले जा रहे हैं, पता नहीं कि कब पहुंचेंगे। लिख जो खत तुझे। तो गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। लोग जा रहे यार, तुम सब भी कुछ बोलोगे कि नहीं? अरे यार थक चुके हैं ऑलरेडी, इतना ऊपर है, बहुत सारा धूप है ना भाई, बहुत सारा हो। तो अभी बस हम लोग घूमे जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे ये भी नहीं पता, बस चढ़े जा रहे हो ऊपर। और यार ये बंदे दोनों, ये लगता है कि पता नहीं, छोड़ो, इसीलिए मतलब इसको थोड़ा सीरियसली ले रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं छत पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा नज़ारा है, ठीक है? और छत पे आने के बाद इतना ज़्यादा धूप है ना कि हमारी फटी पड़ी है, इसलिए हम जा रहे हैं नीचे। देख सकते हो सबके फेस पे दिख रहा है पसीना। तो गाइस, अभी हम लोग घूम लिए हैं पूरा का पूरा और आपको ज़्यादा मैं बोलने तो वाला नहीं हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे तरफ कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ से इधर का नज़ारा और इधर से देख सकते हो पीछे का नज़ारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने के लिए। और यहाँ पे पता नहीं कितने सारे रूम्स हैं, मेरे को पता नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा अपने स्टडी के प्रति ये एक्टिव है कि मतलब यहाँ पे घूमने हम लोग आए थे लेकिन ये घूमना छोड़ के यही देख रहा है क्या है बना, कैसे बना है, कौन सा सीमेंट यूज हुआ है, कौन सा ईट यूज हुआ है, मतलब तब से ये अपने खुद में ही खोया हुआ है। तो आप लोगों को ऐसा बंदा बनना मिलेगा नहीं कहीं पे भी।
तुम कुछ बोलो हमको, नहीं बताओ कितना ग्रेट का है, क्या है, आप बताओ तुम पब्लिक को, हमारे पब्लिक को। नहीं, हम तब से यही देख रहे हैं कि इस इतना जो बड़ा बना है आईटीआई, इसमें कौन सा मतलब कितना ग्रेट का सीमेंट यूज किया है, कितना रेशियो, बस और कुछ नहीं, यही देख रहे हैं। देख सकते हैं कि हम इतने ऊपर हैं कि यहाँ से आपको शायद दिख रहा होगा नीचे, लेकिन मैं ऐसे करके दिखाने वाला नहीं क्योंकि मेरा फोन गिर। चलो चलो, बहुत अच्छा है ये आईआईटी कॉलेज है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और सबके सब जा रहे हैं। हाँ, देख रहे हो, ये भी मत बाहर वाला सीन दिखने वाला नहीं है कैमरे में। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी नीचे चलते हैं। और गाइस, अगर ये विभूति जी हमारे पब्लिक के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप तो बोलो, क्या बोलना चाहोगे? अगर आप लोग सच में मतलब अगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये सच में मतलब इतना ग्रीनरी के बीच में ये आईटीआई बना हुआ है जो कि आपको सच में एक हाई लेवल का अनुभूति प्रदान करेगा। तो अच्छा, सच में आप अगर टाइम मिले तो आइए एक बार घूमने के लिए। ठीक है, और नंदन जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे हमारे पब्लिक से? बोले नहीं, कुछ तो बोलो भाई, हम भाई को सपोर्ट करो और इससे ज्यादा हम क्या करें। सामने आने से डरते हैं, शर्माते हैं, तो ये होता है सबके साथ। आई थिंक मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना ब्लॉग बनाया था तो राजनगर वाला, उस टाइम में मतलब बोल भी नहीं पा रहा था मैं यार। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे पूरा घूम फिर के, और मैं जाने वाला हूँ अब अपने घर पे।